मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो गाइस, वेलकम आप लोगों का दोपल ब्लॉग में, और आप लोग देख रहे हैं दोपल ब्लॉग। तो जैसा कि मैं लगातार अपडेट दे रहा हूँ अंडमान का, तो मैं हूँ अभी हैवलॉक अंडमान निकोबार में, जो हैवलॉक का सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है। हैवलॉक नहीं, अंडमान का सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है हैवलॉक। गाइस, आज रिकॉर्ड बीट हो गया है कि सूर्य से पहले हम उठ गए। डेली कोशिश करता था बट उठ नहीं पाता था, और आज रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया है। सूर्य से पहले मैं निकला हूँ, बट देखते हैं बीच पहले पहुँच पाता हूँ कि नहीं, ये देखना है मेरे को। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने होटल से बाहर, और आप देख सकते हैं इधर रोड कुछ इस तरीके का है, और स्वीट ड्रीम्स हमारा होटल कुछ ऐसा था। इसके अंदर में बहुत अच्छा था, जैसे कि आपने देखा था, ये तो इन फॉन्ट को के डेकोरेट करके नहीं रखे हुए। और ये रोड वगैरह देखो, यहाँ मेरी स्कूटी देखो सामने लगी हुई है, मैंने जो रेंटल हायर की थी। और इधर आपको मैक्सिमम गाड़ी वगैरह रोड पे ही लगा हुआ मिलेगा, कोई कुछ नहीं करता भाई। रात वगैरह से ही सारा पड़ा रहेगा, सुबह उठो और अपना लेकर जाओ। और सुबह का चिलनेस में एक अलग मज़ा है, सुबह या शाम हेलमेट का जरूरत तो यहाँ है ही। तो गाइस देख सकते हैं, ये लोग भी शायद टूरिस्ट होंगे, ये लोग भी आ रहे हैं एक प्लेस को विजिट करने। तो हम लोग भी चलते हैं काला पत्थर बीच बिना डिले किए, क्या पता सूर्य देवता पहले निकल जाए। सो गाइस, फाइनली मैं निकल गया हूँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आप देख सकते हैं ये स्कूटी और ये मैं। तो हम लोग को चलना है अभी मॉर्निंग वाइब देखने काला पत्थर बीच। हम लोग चलेंगे अभी सामने का रिसॉर्ट, जहाँ से लोग काला पत्थर बीच को देख सकें, क्योंकि इधर तो ऑलमोस्ट हमने एरिया घूम लिया है। और काला पत्थर घूम लूँगा तो सारा एरिया लगभग हैवलॉक में कवर हो जाएगा। सो गाइस, फाइनली मैं पहुँच ही गया हूँ काला पत्थर बीच के नज़दीक में, और कुछ लोग वहाँ दिख रहे हैं। और मेरे साथ लग रहा सियापा हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ बीच दिख नहीं रहा है। तो पहुंच गया है तो इसका तो वाइब्स लेंगे ही, क्योंकि हम लोग इससे पीछे नहीं रहते हैं। तो ठीक, वो सामने आपको ब्लैक पत्थर जो दिख रहा होगा है काला पत्थर बीच। अभी पार्किंग देखते हैं यहाँ पे किधर है, और फिर गाड़ी को करते हैं पार्क। पे जाने से पहले इसे ज़रूर पढ़ लें, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग टू हेल्प प्रिजर्व द इकोलॉजी एंड ब्यूटी ऑफ रिवर्स, अवॉइड टचिंग और डिस्टर्बिंग लाइफ। कुछ एंट्री होती है ऐसे, सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं सनराइज सामने हो रहा है, ज़्यादा ही फॉगी फॉगी वेदर है, जिसकी वजह से सन क्लियर दिखाई नहीं दे पा रहा है, बट सनराइज हो रहा है अभी। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा आपको मैं दिखाता हूँ, आप सामने देख पा रहे होंगे। अरे, हमारा अंडमान निकोबार में पहला सनराइज है, बाकी तो सोया रहता हूँ पहले। सो कुछ ऐसा प्यारा सा व्यू है सनराइज का गाइस, आप देख सकते हैं वीडियो में। और तो ये वेव से हाई टाइड होना शुरू हो गया है, क्योंकि जब आया था थोड़ा शांत था लो टाइड, बट सनराइज के साथ साथ इसका भी खूबसूरती बढ़ गया है। कितना प्यारा सा डॉट टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर आ जाओ बाबा। ये सब ब्यूटी है, ब्यूटी बीच का। आगे फोटो शूटिंग वगैरह चल रहा है, लोग फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं, कपल्स लोग बहुत ज़्यादा ही इधर आते हैं, क्योंकि मैंने यही दो बीच ऐसा जो अंडमान में देखा है जो ज़्यादा क्राउडेड बीच है, बाकी तो ऐसा कोई बीच मिला नहीं अपने को। सो गाइस, फाइनली सनराइज हो गया, आप देख सकते हैं, और लाइट का भी देख सकते हैं रिफ्लेक्शन अच्छा रहा, और फेस पे सनलाइट पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सनराइज होता है गाइस, जो हमने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि मैं भी इसी को देखने आया हुआ था, क्योंकि यहाँ का सनराइज मैंने कभी देखा नहीं था, एक भी सनराइज नहीं देखा था। और बाकी का जैसा था बीच किनारे, उधर बहुत सारा फोटोग्राफी वगैरह चलता है। सबसे पहला सनराइज है एक महीना का ट्रिप में, और उधर भी बहुत सारे टूरिस्ट जो फोटोग्राफी वगैरह करा रहा था, तो मैं डिस्टर्ब उन्हें नहीं करूँगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ सनराइज था गाइस। गाइस ये काला पत्थर,
काला पत्थर बीच, क्या बाबा? काला पत्थर बीच को मैंने घूमा है और सनराइज जो था वो मैंने देखा। एक महीने का ट्रिप में पहला सनराइज था मेरा, क्योंकि डेली उठता था 9 बजे तो सनराइज डेली मिस कर जाता था, सनसेट तो देख ही लेता था। तो कुछ ऐसा ट्रिप हमारा गुजर रहा है। सनसेट देखा बट सनराइज नहीं देखा था यार, मज़ा आ गया सनराइज देखकर। वो लालिमा, वैसे हम लोग के यहाँ जब सन निकलता है तो एक ऐसा सनलाइट आता है ना कि आप सन को देख नहीं सकते, बट यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो उधर से हमको लगता है कि 2-3 मिनट आराम से देखें। हाँ, 2-3 मिनट आराम से आप सन को देख सकते हैं, इतना अच्छा सनराइज हुआ था। तो काला पत्थर बीच का सनराइज कुछ ऐसा ही था और बीच यहाँ का कुछ ऐसा ही है गाइस। बैठिए, सन को देखिए, सनराइज का मजा लीजिए। बाबू पूरा व्यू दिखा दो, अलग सुकून है गाइस। सुबह का टाइम, समुंदर किनारे घूमने का एक अलग ही सुकून। सनराइज देखना था भाई, सनराइज तो हमने देख लिया, बड़ा अच्छा भी लगा। इंतजार था इस पल का मुझे और वो फुलफिल करा मैंने। सुबह सुबह इधर समुंदर किनारे चलना, सूर्य को देखना, भला यहाँ को नहीं दिख रहा होगा, और ये लहरों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। कभी भी आप आएँ तो सनसेट सनराइज को मिस ना करो, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस टाइम है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत टाइम था तो मैंने तो स्पेंड करा भाई। और पैर में थोड़ा लग रहा है कि फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, और इधर मछली किनारे में है बट आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मछली नहीं दिखेगा, बहुत छोटा वाला फिश है, आप देख नहीं पाएंगे वीडियो में। तो ऑलमोस्ट बाकी आप लोग समझ ही गए हैं, यहाँ हमने लगभग घूम ही लिया जो भी था। तो चलते हैं इधर से हम लोग रूम की तरफ, फिर वहाँ से निकलना भी है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, आप लोग से मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए मज़े में रहिएगा। बाय बाय, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप, अच्छा लगे तो रेड बटन पे क्लिक, नोटिफिकेशन बटन ऑन और शेयर का बटन भी है, ध्यान दीजिए रहिएगा इसका।